Hello professionals, this one letter is sufficient enough to kill the happiness, motivation and zeal to work of any employee. और वो सभी employees जिन्हें PIP performance improvement plan में डाला जाता है उनमें से hardly कुछ percent employees ही ऐसे होते हैं जो कि PIP को successfully clear कर पाते हैं। तो क्या PIP employers सिर्फ एक formality के तौर पे use करते हैं जिससे कि वो future में खुद को justify कर सके, या फिर employers seriously एम्प्लॉयज को एक अपॉर्चुनिटी देते हैं उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए? व्हाट डू यू थिंक? शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन। सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट PIP परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट प्लान, व्हाट पॉइंट्स यू शुड गो थ्रू थरली इन केस इफ यू आर ऑन PIP एंड हाउ कैन यू एक्चुअली कम आउट ऑफ इट सक्सेसफुली। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ द वीडियो इफ दिस टॉपिक इज ऑफ योर इंटरेस्ट, एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट प्लान होता क्या है। सो परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट प्लान बेसिकली उन एम्प्लॉयज़ के लिए डिज़ाइन किया जाता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग परफॉर्म नहीं कर रहे होते हैं, या फिर जो एम्प्लॉयज़ काफ़ी लंबे समय से अपने KRAs एंड KPIs की रिजल्ट एरियाज एंड की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को अचीव नहीं कर पाते हैं। उस सिचुएशन में मैनेजर उन एम्प्लॉयज़ के साथ मिलकर उनके लिए PIP डिज़ाइन करते हैं जिसमें उनके लिए कुछ गोल्स, कुछ ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं जो कि एम्प्लॉय को अगले 1 to 3 मंथ्स में अचीव करने होते हैं। और इस पूरे प्रोसेस में मैनेजर का रोल ये होता है कि वो एम्प्लॉय को हेल्प करें उनके एग्जिस्टिंग रोल में एस्टेब्लिश होने में और उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में। परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट प्लान इसलिए भी डिज़ाइन किया जाता है कि अगर फ्यूचर में एम्प्लॉय को उनके परफॉर्मेंस के रीज़न की वजह से टर्मिनेट करना पड़े, देन दिस PIP works as a warning letter which was given to employee to improve his or her performance before the termination. इस पूरे प्रोसेस में एम्प्लॉय को क्लियरली ये बताया जाता है कि कौन कौन से वो एरियाज हैं जहाँ पर उन्हें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और कैसे वो इम्प्रूव कर सकते हैं। सो द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ PIP इज टू हेल्प दी एम्प्लॉय टू एस्टेब्लिश इन द करंट रोल एंड टू इम्प्रूव हिज और परफॉर्मेंस। बट अगर आपको PIP प्रोसेस में डाला जा रहा है तो कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है। नंबर वन, बहुत बार ऐसा होता है कि मैनेजर्स खुद को सेव करने के लिए एम्प्लॉयज़ को बैकडेटेड PIP प्रोसेस में शो करते हैं जो कि बिल्कुल भी नहीं हो सकता। आई विल टेल यू अ रियल इंसिडेंट विच हैपन विद वन ऑफ माई फ्रेंड। एक्चुअली ही रिजाइन फ्रॉम हिज जॉब आफ्टर कंप्लेनिंग अबाउट द बैड बिहेवियर ऑफ हिज मैनेजर टू हिज सुपर बॉस। And after getting the feedback from the super boss, obviously his manager got furious and as a result, उन्होंने उस employee का last working day 10 days prepone कर दिया। उस employee ने already अपना resignation दे दिया था, वो अपना notice period serve कर रहे थे और उनका last working day decided था। But उस situation में भी manager ने उनका last working day 10 days prepone कर दिया और उनके last working day पर उनसे backdated PIP form में sign करवाया जिसमें उन्होंने ये show किया कि employee ऑर्गेनाइजेशन की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, उन्हें मल्टीपल रिमाइंडर दिए जा चुके थे और फाइनली इसलिए उन्होंने एम्प्लॉय को PIP प्रोसेस में डाला था। बट दिस एंटायर बिहेवियर ऑफ मैनेजर शोज दैट ही डिड ऑल दिस थिंग जस्ट टू जस्टिफाई हिज बिहेवियर, बिकॉज दैट वॉज द सेकेंड टाइम जहाँ पर किसी टीम मेंबर ने उनके बैड बिहेवियर की कंप्लेंट सुपर बॉस को की थी। तो उन्हें अपने बैड बिहेवियर को जस्टिफाई करना बहुत ज़रूरी था और खुद को जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने एम्प्लॉय को बैकडेटेड PIP फॉर्म में साइन करने के लिए फोर्स किया जो कि बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि PIP का पूरा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि एम्प्लॉय को बताया जाए कि किन एरियाज में उन्हें इम्प्रूव करना है और कैसे उन्हें इम्प्रूव करना है। बट अगर एम्प्लॉय को पता ही नहीं है कि वो PIP में है तो उस PIP का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। एंड द मिस्टेक विच वॉज डन बाय दैट एम्प्लॉय दैट ही साइन ऑन दैट पर्टिकुलर फॉर्म एंड ही थॉट कि आज मेरा लास्ट वर्किंग डे है इस ऑर्गेनाइजेशन में एंड इन एनी केस आई जस्ट वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ दिस मैनेजर आई एम थिंकिंग दिस ही साइंड ऑन दैट बैकडेटेड PIP फॉर्म विच वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक विच ही डिड बिकॉज नाउ एवरी वन हु विल सी दैट PIP फॉर्म इंक्लूडिंग हिज सुपर बॉस विल थिंक दैट एम्प्लॉय वॉज नॉट एबल टू परफॉर्म अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्टेशन हैंस ही वॉज ऑन PIP और इसी रीजन की वजह से उन्होंने मैनेजर की कंप्लेंट सुपर बॉस को की थी। नो वन विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द रियल सिचुएशन विच हैपन्ड बैक द स्टेज। पॉइंट नंबर टू, PIP प्रोसेस कभी भी वर्बल नहीं होता है, इट हैज़ टू बी डॉक्यूमेंटेड सो दैट योर गोल्स एंड योर प्रोग्रेस कैन बी ट्रैक्ड। अगर कभी ऐसा होता है कि आपके मैनेजर सिर्फ आपको वर्बली ये बात बताते हैं कि आप PIP प्रोसेस में हैं बट उसके अराउंड कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट नहीं करते हैं, देन यू हैव टू रिक्वेस्ट पोलाइटली टू योर मैनेजर टू क्रिएट अ डॉक्यूमेंट अराउंड इट सो दैट यू आर अवेयर वट आर द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव विच योर ऑर्गेनाइजेशन वॉन्ट यू टू अचीव ड्यूरिंग द PIP प्रोसेस। अदरवाइज आपके मैनेजर की एक्सपेक्टेशन
एंडलेस भी हो सकती है। और अगर आपके मैनेजर के एनपीए प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है देन प्लीज रीच आउट टू एचआर टीम इन योर ऑर्गेनाइजेशन। पॉइंट नंबर 3, पीआईपी प्रोसेस कभी भी बिना गोल्स और बिना ऑब्जेक्टिव के डिफाइन नहीं होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि पीआईपी फॉर्म में सिर्फ एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस के बारे में वहाँ पे मेंशन किया गया हो कि एम्प्लॉय ने ये चीज़ें परफॉर्म नहीं करी हैं, बट एम्प्लॉय के गोल्स के बारे में वहाँ पे कुछ भी मेंशन ना किया गया हो। क्योंकि अगर बिना गोल का आपका पीआईपी प्रोसेस होगा तो आपको पता ही नहीं होगा कि आपको पीआईपी प्रोसेस के एंड में कौन कौन से गोल्स और ऑब्जेक्टिव अचीव करने हैं। सो मेक श्योर दैट यू गेट इट इन राइटिंग व्हाट डज योर मैनेजर और ऑर्गेनाइजेशन want you to achieve during the PIP process. Now let's understand how to deal with the situation if you are in PIP. But before that, I want to ask a small question to you. Are you really finding this video helpful, informative? Am I adding something to your knowledge today? If yes, then like the video, share your thoughts in the comment section and do subscribe to the channel to know more about job interview tips, career guidance and latest HR trends. And here on this channel, you will find the answers of all your career related queries. So please click on the subscribe button right now. So coming back to the points that will help you to come out of PIP successfully. Maximum employees जिन्हें PIP में डाला जाता है वो PIP का नाम सुनते ही demotivate हो जाते हैं, और अभी तक जो efforts वो अपने KRAs, KPIs और अपने goals को achieve करने में कर रहे होते हैं वो उन्हें भी बंद कर देते हैं। But let me tell you one thing, getting demotivated will not help you in anything other than losing your job. So this is the first thing which you have to kick out in case if you want to come out of PIP successfully. So PIP से deal करने के लिए सबसे पहली चीज़ जो आपको चाहिए वो है positive attitude. ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस पूरे process को सही तरीके से accept करें और ये ना समझें कि ये process आपके manager ने आपको demean करने के लिए start किया है या फिर ये एक fault finding process है। रादर आपका गोल इस बात को समझने में होना चाहिए कि कौन कौन से वो एरियाज हैं जहां आपको इम्प्रूव करना है और कैसे आपको इम्प्रूव करना है। और ये पूरा प्लान सिर्फ आपके माइंड में नहीं होना चाहिए, बट यू हैव टू राइट इट समवेयर एंड पिन इट ऑन योर वर्क स्टेशन सो दैट यू कैन सी इट एवरी डे दैट व्हाट आर दोज लिटिल थिंग्स दैट यू हैव टू डू एवरी डे विच विल हेल्प यू टू अचीव योर बिगर गोल एंड दैट इज to come out of PIP successfully. Another important thing, do not get into a defending zone where you are just busy in finding the reasons that did not work in your favor. Like, मैंने तो अपना 100% दिया था, फिर भी अगर रिजल्ट अचीव नहीं हुआ तो मैं क्या करूँ, या फिर मुझे तो क्वालिटी डेटा ही नहीं मिला तो मेरा काम कैसे होता। Rather, आपका पूरा फोकस इस बात को समझने में होना चाहिए कि आप इस टाइम में कैसे खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं, एंड दैट विल हेल्प यू मोर देन एनीथिंग एल्स। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सेकंड पॉइंट दैट विल हेल्प यू टू कम आउट ऑफ पीआईपी सक्सेसफुली, एंड दैट इज आस्क फॉर हेल्प। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि इस पूरे प्रोसेस का ऑब्जेक्टिव, पीआईपी प्रोसेस का ऑब्जेक्टिव एम्प्लॉय को उनके रोल में एस्टेब्लिश करना और उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना होता है। तो इसके लिए जो भी हेल्प आपको आपके मैनेजर से चाहिए please ask for it without any kind of hesitation, but make sure that you follow this approach that I'm going to say just now before asking for the help. सबसे पहले आप अपने NPA identify कीजिए कि आपको क्या help चाहिए और आपको कहाँ पर help चाहिए। As an example, अगर आप sales में हैं और आपके sales target achieve नहीं हो पा रहे हैं then अपने manager से सिर्फ ये बोलने के बजाय कि आपके sales target achieve नहीं हो रहे हैं और आपको उनकी help चाहिए, आप सबसे पहले खुद अपने एंड पे आइडेंटिफाई कीजिए कि आपके सेल्स टारगेट क्यों अचीव नहीं हो रहे हैं। क्या आपको क्वालिटी लीड्स नहीं मिल रही हैं इसलिए आपके सेल्स टारगेट अचीव नहीं हो पा रहे हैं, या फिर आप कस्टमर को सही तरीके से प्रोडक्ट पिच नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपको इंक्वायरीज को सेल्स में कन्वर्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है, और आपने अपने एंड पे अभी तक क्या क्या एफर्ट्स किए हैं इन प्रॉब्लम्स को किल करने के लिए और उनके रिजल्ट्स आपको क्या मिले हैं, ये अपने मैनेजर के साथ ज़रूर शेयर करें और उसके बाद ही उनकी हेल्प मांगे। सो दैट यू मैनेजर कैन ऑल्सो सी दैट येस यू आर मेकिंग द एफर्ट्स एट योर एंड टू रिजॉल्व योर प्रॉब्लम्स एंड नॉट जस्ट रिलाइंग ऑन हिम और हर। थर्ड पॉइंट दैट विल वर्क इन योर फेवर दैट इज डबल योर एफर्ट्स। अगर आप पीआईपी प्रोसेस में हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने एफर्ट्स जो अभी तक आप दे रहे थे अपने गोल्स, अपने KRAs और अपने KPIs को अचीव करने में, उन्हें डबल कर दीजिए। क्योंकि जो एफर्ट्स आप अभी तक दे रहे थे उनसे बात नहीं बनने वाली है, इसीलिए आप पीआईपी प्रोसेस में हैं। एंड डबलिंग योर एफर्ट्स विल नॉट ओनली हेल्प यू टू अचीव योर डिफाइंड गोल्स but will also help you to win the trust of your manager, because he or she will be able to notice that you are putting more efforts than what you used to do in past. Now let's understand fourth point that will help you to come out of PIP successfully, and that is check in regularly.
If your PIP process is of 1 month, then make sure that you meet your manager at least once in 7 days of time to discuss your performance, and it should not be a case where you are just waiting for your manager to call you for the discussion. Rather, make sure that you reach out to your manager proactively to discuss your achievement against the goals and to get the guidance to overcome the challenges that you are facing to achieve the goals. और अगर आपका PIP process 2 months का है, then you have to make sure that you meet your manager at least once in 10 days of time. और अगर आपका PIP process 3 months का है, then आपको हर 15 days में एक बार अपने performance discussion के लिए उनसे ज़रूर मिलना है. And it will not only help you to get the guidance from your manager, but will also help you to make a positive impression on your manager, because he or she will be able to see your proactiveness to discuss your performance and your urge to come out of PIP successfully. But you need to make sure ki ye sare discussion kahi document ho. So these are the points that will help you to come out of PIP successfully. If you feel there's any other point that can help you, please share it in the comment section, and your inputs will help to many other people who are watching this video. Next video will be on how to check if you are going to join a right organization or not, and that is on the basis of numbers and data, and how to know if you have got the right job offer or not. The video will be out on next Sunday. Make sure that you watch it. If you have any other question related to HR or to your career, then you can directly reach out to me on Instagram. Here are the details. Another important thing, I have designed this complete playlist of career growth especially for working professionals, and watching this playlist will give you a clear understanding about those challenges that most employees face in their career and how can you overcome them.